दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया होगा, जी हाँ दोस्तों ट्रिपल आर के पार्ट टू को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं और आपको ट्रिपल आर टू की फैन थ्योरी भी बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों ट्रिपल आर टू की स्टोरी क्या होने वाली है इस बारे में भी आपको बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का निशान भी दबा दें। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि ट्रिपल आर टू की स्क्रिप्ट पे काम शुरू हो चुका है और इस मूवी को लिख रहे हैं एसएस राजामौली के वालिद विजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने इससे पहले ट्रिपल आर और बाहुबली फ्रेंचाइज की स्टोरी लिखी थी। इसके अलावा दूसरी अपडेट यह है कि ट्रिपल आर मूवी में प्रभास एंट्री करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों एक सोर्स से खबर आई है कि प्रभास भी ट्रिपल आर टू मूवी को ज्वाइन करने वाले हैं। और यहाँ पर बात करें स्टोरी लाइन की तो आपको बता दें कि प्रभास उस मूवी में एनटीआर और रामचरण के मुखालिफ खड़े होंगे और ये इस तरह से होगा कि प्रभास जिस कबीले में रहता है वहाँ सारे ऊंची जाति के लोग होते हैं और प्रभास का कबीला नीची जाति से और ये टाइम आजादी से पहले का होता है और आजादी से पहले ऊंची जाति वाले नीची जात वाले लोगों पर जुल्म करते थे। इसके बाद ब्रिटिश प्रभास का इस्तेमाल करते हुए प्रभास और उसके कबीले को सहारा देते हैं जिसके बाद प्रभास गौरव पर भरोसा करने लगता है और उसी दौरान वो रामचरण और एनटीआर के मुखालिफ खड़ा हो जाता है। लेकिन इसके बाद राम और एनटीआर मिलकर गौरव का असली चेहरा प्रभास को दिखाते हैं। इसके बाद प्रभास राम और एनटीआर मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करते हैं और अपने गांव और कबीलों को आजादी दिलाते हैं। तो ये थी फैन थ्योरी, बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कॉमेंट में जरूर बताएं।